द्वितीय सत्र में आपका स्वागत है। रामायण में एक जगह ऐसे वर्णन आता है कि राम कीन्ही आपन जबही से, भूयो भुवन भूषण तबही से। केवट जी कहते हैं कि जब से भगवान राम ने मुझे अपनाया है, मैं तो जैसे धरती का भयो भुवन भूषण तबही से, तब से जब से भगवान राम ने मुझे अपनाया है, तब से मैं इस धरती का भूषण हो गया, इस धरती का आभूषण हो गया, धरती मेरे से शोभित हो रही। कब से? जब से भगवान राम ने मुझे अपनाया है। जीव इस भौतिक संसार में हमारे जैसे लोग भटक रहे थे, श्री प्रभुपाद श्री गुरुदेव की कृपा से उन्होंने अपनी सेवा में लगाया है, तो थोड़ा कुछ हम बोलने का सामर्थ्य कर। श्रीमद् भागवतम जैसे विषयों पे बोलने की कोई योग्यता नहीं है, पर आप सब लोगों के सामने इस तरीके से प्रभु जी ने सेवा दिया है, तो इससे अच्छा और सेवा क्या हो सकता है कि भगवान के बारे में बोलना, भगवान की कथा करना। तो एक जगह वर्णन आता है कि जिस तरीके से पक्षी, अलग अलग पक्षी अपने क्षमता से और आकाश की गहराई को नापते हैं, हर पक्षी अपनी अपनी क्षमता से आकाश में जाता है, उसी तरीके से हर भक्त अपनी अपनी क्षमता से, जैसा उसने रियलाइज किया है वैसे वो अपनी अपनी क्षमता से बताता है कथा को। सूत गोस्वामी भी कहते हैं यथा श्रुतम यथाधीतम, जैसे मैंने सुना और जैसे मेरी बुद्धि उसको समझ पाई वैसे हम उसको जो है कथा को बताएंगे। तो हम लोग कल प्रथम स्कंद किए थे और श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण बोल के हम आज कथा प्रारंभ करेंगे। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित्पासिना व्रजवधू वर्गेन वा कल्पिता, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतम इदं तत्र दहना परः, यम प्रवर्जन्तम अनुपेतमेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मय तया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि, यस्वानुभाव अखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमिति तीर्थितां तमो अंधम्, संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाल कुमाराय गोविंदाय नमः, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणम्, यत्कृपातमहं वंदे श्रीचैतन्य ईश्वरं, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं, यत्कीर्तनं यदस्मरणं यदीक्षणं यदवंदनं यच्छ्रवणं यदरणं
लोकस्य सत्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रुवसे नमः भूतैर्महद्भिर् इमा पुरो विपुर्निर्माय शेते यदंशु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् भगवान् भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलं कृषिष्ठं भगवान् वचांसि मे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नाम्ने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नरग्रामकारिणे हरे कृष्ण। तो कल श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में हमने चर्चा किया था छह प्रश्नों का, है ना। पहला प्रश्न था संसार के समस्त जीवों के कल्याण के लिए क्या चीज है, वह भक्ति सवित पुंसा परो धर्म श्लोक बताया था। एक दो छह और सात पहले स्कंद का, दूसरे अध्याय का छठवां सातवां श्लोक इसका उत्तर है। फिर समस्त वैदिक शास्त्रों का सभी ग्रंथों का सार क्या है, वो है भक्ति, जो दूसरा अध्याय पहले स्कंद का दूसरा अध्याय उसका पूरा उत्तर है। फिर भगवान कृष्ण ने देवकी माता के गर्भ से प्रकट हुए, इसका क्या रहस्य है, इसको दूसरे अध्याय के 34वें और तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक में क्लियर किया गया है। एते चांस कला पुंसा, ये जो तीन प्रश्न है, तीसरा भगवान कृष्ण के अवतार के बारे में, उनके रहस्य के बारे में, फिर चौथा पुरुषावतारों के बारे में, पांचवां लीला अवतारों के बारे में, इन तीनों का उत्तर एक श्लोक से क्लियर होता है। एते चांस कला पुंसा वाला श्लोक है ना, जिसमें कृष्णस्तु भगवान से 22 अवतारों की लिस्ट आएगी। उन अवतारों के बाद कहते हैं कि ये सब अवतार हैं और कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो इन सब अवतारों का वर्णन भागवतम में इसलिए आ रहा है ताकि हम ये सिद्ध हो जाए कि स्वयं कृष्ण कौन है, भगवान है। बाकी सब या तो उनके अंश हैं, कला हैं, या तो उनके अंश हैं या अंश के अंश हैं या उनकी कला है, यानी कि अवतार है। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं उनके अवतार के अवतार। कृष्ण स्वयं भगवान है। छठवां प्रश्न था कि भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली, तो 1.3.43 में बताते हैं कि धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ली। इसके बाद आगे सौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि क्यों ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की रचना हुई, कैसे इसकी प्रेरणा मिली, तो व्यासदेव ने इसकी रचना करी नारद जी की प्रेरणा से। जब वो पूरी तरीके से व्यथित हुए थे तो नारद जी ने उनको फिर से प्रेरणा किया कि आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। फिर सुखदेव गोस्वामी इतने सब बड़े वैरागी है, हमेशा घूमते रहते हैं, तो वो सुखदेव गोस्वामी कैसे एक जगह आके बैठ गए हुए 7 दिन के लिए, और राजा इतना बड़ा परीक्षित महाराज सब राजपाट छोड़ के कैसे दोनों का मिलन हुआ, कैसे 7 दिन बैठ के उन्होंने चर्चा किया, इस पे भी हमने कल विस्तार में चर्चा किया था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि अच्छा महाराज परीक्षित की बात है, उन्होंने प्रश्न किया महाराज परीक्षित ऐसे राजा प्रश्न करते हैं कि आप हमें महाराजा परीक्षित के बारे में बताइए जिसके जन्म या उसकी लीड उसके लाइफ टाइम जीवन या मृत्यु, कहीं से भी महाराजा परीक्षित की बात अगर आती है तो कृष्ण कथा करनी पड़ती है। अगर
कैसे भी करके आप महाराज परीक्षित की बात अगर कहीं चर्चा आएगा तो कृष्ण कथा निकलती है। क्यों? जन्म की बात करेंगे तो भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ से उनको, उत्तरा के गर्भ में भगवान स्वयं जाकर उनकी रक्षा की, तो कृष्ण कथा। अगर उनके जीवन की बात करेंगे तो उन्होंने किस तरीके से वज्रनाभ के साथ मिलके ब्रज की दोबारा से जीर्णोद्धार किया और तमाम मंदिरों की स्थापना की और सारे जगह जहाँ पे लोग भक्त भागवत और यज्ञ करते थे उनकी रक्षा करते थे, इस तरीके से परीक्षित महाराज का जीवन की चर्चा होगी तो कृष्ण कथा होगी। और अगर मृत्यु की बात हुई परीक्षित की तो पूरी भागवतम करनी पड़ेगी। तो ऐसे महाराजा परीक्षित की बात हमें आप बताएं। तो सुखदेव गोस्वामी और तो महाराजा परीक्षित होता क्या है कि जब सब कुछ हो गया पूरा महाभारत के बाद, अंत में अश्वत्थामा ने सोचा कि हम जो है दुर्योधन बेचारा बहुत दुखी है और दुर्योधन कुछ तो मैं कर दूं ताकि दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। तो उसने इस भाव से और दुर्योधन ने वहां पे रात को शिविर में जाके दुर्योधन ने जो है रात्रि में दुर्योधन पांडवों के शिविर में घुस के और द्रौपदी के, उसको लगा कि पांडव सो रहे हैं पांचों, पर उस लोग कौन रहा था, द्रौपदी के पांच पुत्र। तो उसने सोचा कि मैं जाते जाते कुछ तो आप बढ़िया कर दूं दुर्योधन के लिए, वैसे ही मर रहा है बेचारा। तो उसने क्या किया, उन पांचों को रात में उसके सिर निकाल लिए, खोल के सिर निकाल के काट के और वो ले गया दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन भी एक्चुअली में ना उससे प्रसन्न नहीं हुआ, दुर्योधन ने भी उसको बहुत डांटा और कहा कि ये तुमने हमारा वंश खत्म किया, तुम्हारा भी वंश खत्म होएगा, और वो प्रसन्न नहीं था दुर्योधन। तो अश्वत्थामा उधर से आया। अब इधर क्या हुआ कि जब पता चला द्रौपदी को कि ये तो कोई मेरे पांचों पुत्रों को मार के चला गया, तो फिर अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली। क्षत्रिय लोग प्रतिज्ञा बहुत जल्दी कर लेते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम लोग ना प्रतिज्ञा कर लेते हो, बाद में टेंशन मुझे होती है ना, सब मुझे करना पड़ता है सॉर्ट आउट। तो अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली द्रौपदी के सामने कि जब तक उस हत्यारे का सिर काट के नहीं ले आऊंगा तब तक तुम बाल मत बांधना। जब तक उसका द्रौपदी के दिन में जब उसका सिर लेके आओगे उसके सिर के ऊपर मैं खड़े होके, कटे सिर के ऊपर खड़े होके मैं अपने बाल धुलूंगी जिसने मेरे पुत्रों का सिर काटा है। आजकल क्या लड़ाई होगी, कोई जाता है इस एक्सटेंट तक आजकल? तो गए उसको ढूंढने, तो भगवान कृष्ण सारथी थे और वो अर्जुन उसके पीछे पीछे गए अश्वत्थामा को पकड़ने। अश्वत्थामा को समझ में आ गया कि तो पकड़ लेंगे, तो भागा रथ लेके, बाद में रथ से उतर के भागा। जब उसको लगा कि यार ये तो पकड़ लेंगे तो उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो देखिए जी उसको बची थी उसको और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो अर्जुन कहते ये क्या है, भगवान को ब्रह्मास्त्र तुम जानते हो करो। तो अर्जुन ने तुरंत जो है ब्रह्मास्त्र लिया अपना और अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा, अब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानता था, वापस बुलाना नहीं जानता था। तो अर्जुन ने उसको समेट लिया अपने ब्रह्मास्त्र को भी और अश्वत्थामा को, बाद में अश्वत्थामा को पकड़ के और उसको बांध के रस्सी से रथ के पीछे। तो जो बांधने लगा तो भगवान कहते कर क्या रहे हो, ये कौन है जानते हो जिसने तुम्हारे बेटों को मारा, तुम कर क्या रहोगे, भी तो प्रतिज्ञा करके आए हो ना कि मैं सिर काट के लेके आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके आए हो, कर क्या रहे हो, उसको बांध क्यों रहे हो। तो भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की। तो अर्जुन कहता है नहीं ये हमारे गुरु का पुत्र है, चलो इसको वहीं ले जाके ले इसके चलते वहीं बात करेंगे करना क्या है। तो बांध लिया घसीटते हुए लेके आ रहे थे रथ के पीछे। तो जब द्रौपदी ने देखा दूर से तो कहती अरे अरे क्या कर क्या रहे हो तुम,
तुम्हें पता नहीं है कौन है ब्रह्म बंधु है तुम्हारे गुरु का। अच्छा यहाँ पे ना अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु बोला गया है, ब्राह्मण नहीं बोला गया, क्यों? उसने काम ऐसा किया था कि वो ब्राह्मण के स्टेटस से गिर गया था, इसलिए ब्रह्म बंधु। जैसे जो डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर के भाई को डॉक्टर नहीं बोलते, आप उसे बोलते डॉक्टर का भाई, डॉक्टर का बेटा। तो यहाँ पे रिश्तेदार बोल रहे हैं, ब्राह्मण का रिश्तेदार, क्योंकि उसके पिता तो ब्राह्मण। तो उसको पकड़ के लाए द्रौपदी के, तीन नहीं ये अच्छा नहीं है। और यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है कि द्रौपदी के जो माँ का जो हृदय होता है उसका विवरण बहुत डिटेल में आता है भागवतम में। तो द्रौपदी कहती है कि मैं नहीं चाहती, मैं अपने पुत्रों के दुख से व्यथित हूँ, उसी तरीके से कृपी यानी अश्वत्थामा की जो माँ है वो भी उस कष्ट को सहे। ये होता है वैष्णव का हृदय। हमारे ऊपर कष्ट हुआ उसी ने किया, फिर भी जो कष्ट उसने मुझे दिया है मैं नहीं चाहता कि यही कष्ट उसको मिले। हमारे को जो कष्ट किसी ने दिया है, वैष्णव का हृदय होता है कि मैं ये नहीं चाहता कि यही कष्ट मैं उसको दूं, समझे? क्योंकि अगर क्षमा करना बड़ा गुण है ना, बदला लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली हम देखते हैं ना, वो कहते मेरे साथ ऐसा किया तो इसके भी परिवार में ये हो जाए, तो बोलते हैं ना कभी कभी हम लोग। इसीलिए आजकल कर्ज देने की, शाप देने की शक्ति खत्म हुई, क्योंकि ऐवें ही कोई देता, पहले लोग सोच समझ के देते थे, है ना, अब जो है ऐवें ही दे देंगे, आते जाते दिन में 10 लोगों को शाप दे के आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो बच ही नहीं सकती, है ना। कुछ भी गड़बड़ हो ले उसका घर चल जाए, उसका ये हो जाए, उसकी टांग कट जाए, तो बोलते हैं। तो इसलिए वो शक्ति नहीं बची अब शब्दों में, क्योंकि हम शब्दों को ऐसे होता है ना कि जिस चीज को आप बेमतलब यूज करोगे उसकी भी वैल्यू खत्म। तो जब हम शब्दों को बेमतलब में यूज करेंगे तो उनकी वैल्यू खत्म। तो द्रौपदी यहाँ पे नहीं चाहती थी कि उसको उसकी माँ अश्वत्थामा की माँ को भी वही कष्ट मिले। तो द्रौपदी कहती है छोड़ दो इसको। युधिष्ठिर महाराज राजा है, वो द्रौपदी से एग्री रहते हैं, कहते हैं कि धर्म के हिसाब से ठीक है छोड़ दो। नकुल सहदेव भी कह देते हैं छोड़ दो। भीम कहता है छोड़ दो लगा रखा है, तुमको समझता नहीं क्या, इसने पांचों को काट दिया, तुम छोड़ो मैं मारता हूं इसको, इधर ला। तो भगवान अब इधर अश्वत्थामा कह रहा है यार कुछ तो करो मेरे साथ, या तो छोड़ो ये तुम आपस में पहले इससे निपट लो। तो द्रौपदी युधिष्ठिर एक तरफ खींच रहे उसको, नहीं नहीं छोड़ दो। भीम एक तरफ खींच रहा है, अरे मैं मारूंगा इसको। तो भगवान ने ना बीच बचाव करने में, फिर भगवान आए, भगवान ने हटाया सबको। तो यहाँ वर्णन आता है कि भगवान उसमें चार हाथ प्रकट किए, इधर वालों को भी रोकना है, इधर वालों को भी रोकना है, चार हाथ कर ले, देखो भगवान को कितनी फैसिलिटी है। तो इस तरीके से भगवान ने बीच बचाव कराया। बाद में अर्जुन भगवान की तरफ देखते हैं तो भगवान कहते हैं कि अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैंने तो तभी कहा था। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें पता है क्या करना है ना, तुम समझदार हो तुम करो, क्षत्रिय धर्म के हिसाब से जो तुम्हें पता है क्या करना चाहिए। तो अर्जुन समझ गए भगवान के सारे को, और अर्जुन ने अश्वत्थामा के जो बाल थे वो हटा दिए, आधी मूछ हटा दी, आधी दाढ़ी हटा दी, जैसे आजकल चल रहा है ना हेयर स्टाइल, आधा आधा, आधे बाल रहते आधे नहीं रहते, तो वैसे ही उसको बना दिया ना। वो उस समय बेइज्जती का वो था सिंबल, अभी वो इज्जत का सिंबल है, इसलिए ये कलयुग है। तो उसको बना के छोड़ दिया, ऐसे बाल बना देना सबसे बड़ी बेइज्जती है ना। तो बेचारे को छोड़ दिया। अब इसके बाद भगवान सोचते हैं कि अब बहुत दिन हो गए हस्तिनापुर में, हमें द्वारका जाना चाहिए वापस। तो भगवान अपना रेडी हो रहे थे द्वारका जाने के लिए, और रथ पे बैठे हुए थे तो निकलने वाले थे, तैयार थे। और तो उसी समय अचानक भगवान जाने वाले हैं, है ना, पहली बार
भगवान जाने के लिए तैयार हुए तो ये केस हो गया, कौन सा, द्रौपदी के पांच पुत्रों को मार दिया तो रुक गए बेचारे। फिर दोबारा जब जाने के लिए तैयार हुए तो उधर से जब जा ही रहे थे रथ पे बैठे तो उसे उत्तरा दौड़ते हुए आई। उत्तरा कौन है? तो उत्तरा दौड़ते हुए आई, कहती पाही पाही महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यम तदत भयम पश्य यत्र मृत्यु परस। उत्तरा को क्या हुआ कि पांच इधर तो ये मर ही गए थे लेकिन इस वंश का एक वंशज बचा हुआ था, वो था उत्तरा के गर्भ में, कौन, परीक्षित। तो अश्वत्थामा ना उधर से तो छूट गया तब भी माना नहीं, इसने फिर से एक ही चीज आदि दी है ना, कुछ होते ना उनको एक ही चीज आदि घुमा फिरा के हर जगह वही छोड़ते। अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। फिर अब उसने सर फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और सीधे छोड़ा किसके लिए कि जो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज है इनका अंतिम जो वंशज है उसको ही मार दो। तो ब्रह्मास्त्र की गर्मी से उत्तरा डर के भगवान की तरफ और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करती है कि आप हमारी रक्षा करें। महायोगी पाही पाही महायोगी, आप तो सबसे बड़े योगी हैं है ना, सभी पाही पाही माने मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, आप महायोगी हैं, समस्त योगियों के कंट्रोलर हैं। और अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना कि उत्तरा, अब वहां पे अर्जुन हैं, पांचों पांडव हैं, सब लोग हैं है ना, अभी अभी इतनी बड़ी लड़ाई खत्म हुई है, इतना बड़ा युद्ध जीता है, तो कोई कह सकता है कि उत्तरा अपने जो पहले जैसे अर्जुन वगैरह हैं तो उनके ससुर हुए उनके पास जाना चाहिए पहले रक्षा के लिए। उत्तरा को समझदार, उत्तरा बिल्कुल समझदार थी, उसे पता है कोई नहीं बचा पाएगा, समय है नहीं, डायरेक्ट भगवान के पास कहते हैं कि आप मेरी रक्षा करें, आप महायोगी हैं, आपके अलावा नान्यं तत् भयं पश्य यत्र मृत्यु परश्व, आपके अलावा मेरी और भी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मुझे मृत्यु के चंगुल से कोई और नहीं बचा सकता सिवाय भगवान श्री कृष्ण के। तो उत्तरा कहती है कि भले आप मेरी रक्षा ना करें, भले आप मेरी रक्षा ना करें पर मेरे पुत्र की रक्षा जरूर करें। तो उसी समय भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और छोटा सा रूप बना के और एक पूरा कवच बना दिया। एक्चुअली में तो परीक्षित महाराज का शरीर नष्ट हो गया था लेकिन भगवान ने फिर से उन्हें शरीर दिया। और भगवान वहां पे वर्णन आता है कि भगवान छोटे से रूप में और जैसे वो आपने लिटिल कृष्णा मूवी में देखा होगा ना कवच पहन के, वैसे रूप में भगवान गदा को घुमा घुमा के तेजी से उस ब्रह्मास्त्र की गर्मी को खत्म कर दिए और उसको निरस्त कर दिए। तो इस तरीके से ये जो बच्चा था परीक्षित ये देख रहा था कि चल क्या रहा है, को नहीं करके छोटा सा व्यक्ति और पूरा तेजी से घुमाया जा रहा है और मेरी रक्षा कर रहा है। तो जब भगवान को बच गया उसके बाद जब परीक्षित का जन्म हुआ तो वो पूरे समय उसी व्यक्ति सबसे सुंदर व्यक्ति को उसने देख लिया है ना, ये सबसे महान व्यक्ति है जिसने भगवान के दर्शन गर्भ में ही कर दिए, तब इसको और कोई चीज और कोई व्यक्ति सुंदर ही नहीं लगता था, तो उन्हीं को ढूंढता रहता हर में है ना, तो हर व्यक्ति में ये उन्हीं चीज की परीक्षा करता रहता था, हर जगह ये उसी रूप की परीक्षा करता था। इस रूप की कौन से भगवान, जो इन्होंने गर्भ में दर्शन किए थे। तो बार बार हर जगह परीक्षा करते रहने से इनका नाम क्या पड़ा, परीक्षित। परीक्षा करते रहते थे इसलिए परीक्षित। वैसे तो आजकल के बच्चे भी सब परीक्षित ही हैं, रोज उनके एग्जाम है। तो परीक्षित महाराज इस तरीके से इनका जन्म हुआ, वहां पे उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा किया। फिर इसी के बीच में फिर जब उत्तरा को भगवान ने उत्तरा की रक्षा की, उनके बेटे की रक्षा की, तो
तो यहाँ पे थोड़ा सुध गोस्वामी साइट की बात भी बताते हैं कि यहाँ जब भगवान अब यहाँ से थोड़ा भागवतम थोड़ा दूसरे ट्रैक में जा रहा है, ये कथा यही चलेगी परीक्षित महाराज के बीच में कुछ और आ गया क्या, क्योंकि भगवान जाने वाले थे, बीच में उत्तरा का केस हुआ, उसके बाद ये सॉर्ट आउट हुआ, उसके बाद फिर से भगवान ने कहा हमें जाना चाहिए, हमारा भी परिवार है, तो भाई भगवान बिल्कुल जब जाने के लिए तैयार हुए तब कुंती महारानी आ गई। तो कुंती महारानी आके भगवान से, ये एक्चुअली में ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान अब आप, कुंती महारानी को ना शोक हो रहा है यहाँ पे भगवान जा रहे हैं, तो कुंती महारानी कहती हैं कि ये इससे अच्छा तो था कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं जब थी तो वो अच्छी परिस्थिति थी, क्यों, क्योंकि उस समय आप हमारे साथ थे, है ना। तो ये जो दो श्लोक आपने सुने हुए, एक तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः, ये श्लोक कुंती महारानी के द्वारा इसी सेक्शन में इसी समय बोला गया था भगवान की प्रार्थना करते हुए। और उसके बाद कुंती महारानी दूसरा श्लोक बोलती, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्ण वासुदेव के पुत्र देवकी नंदन, और नंद गोप कुमार जो ब्रज में गोपों के साथ खेलने वाले गोविंद को मैं प्रणाम करती हूँ। अच्छा, कुंती भगवान की बुआ लगती है रिश्ते में, तो कुंती महारानी जो अगला श्लोक बोलती हैं तो थोड़ा ध्यान रखती है कि कहीं ऐसा ना हो भगवान, अब चूंकि कुंती महारानी भगवान के स्वरूप को समझ रही हैं लेकिन भगवान रिश्ते में तो वो उनकी बुआ लगती हैं, तो उन्होंने सोचा कहीं इतना ज्यादा प्रणाम ना मैं कर दूं कि भगवान को थोड़ा अजीब सा लगने लगे। जनरली क्या होता है, जब हम दर्शन ये करते हैं या प्रणाम करते हैं तो चरणों से शुरू करते हैं, चरण के ऊपर, कल भी बताया। तो यहाँ कुंती महारानी जो श्लोक बोलती हैं वो थोड़ा जो स्टेप्स है ना उन्होंने बदल दिए, इसलिए ताकि भगवान को थोड़ा थोड़ा वैसा ना लगे, ऑड फील ना हो। तो कहते हैं नमो पंकज नाभाय, तो चरण छोड़ दिए, नाभि से शुरू किया, नमो पंकज नाभाय, पंकज नाभ है जिनकी नाभि कमल जैसे, तो वैसे भी भगवान की नाभि से कमल निकलता है, तो वहां से शुरू करते हैं, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगुले, मैं उनको प्रणाम करती हूँ जिनकी नाभि से कमल निकल रहा है, जिनके गले में कमल पुष्प की माला है, जिनकी नमो पंकज नेत्राय, जिनकी आंखें नेत्र पंकज कमल जैसी हैं, और फिर बाद में नमो पंकजांगुले, बाद में चरण कमल। तो कुंती महारानी एक श्लोक उन्होंने जो स्पेशल बोला कि जब हमारे कहते हैं कि इससे अच्छा है कि आप और मेरा घर जलता है जलने दो, उनका एक बार घर जलाया था, मेरे बच्चे मरते हैं मरने दो, थोड़ा ये डेंजरस प्रार्थना है, घर पे ट्राई नहीं करना इसको। तो कहते हैं कि मेरा घर जलता है जल जाए, बच्चे मरते हैं मर जाए, है ना, जो होना है हो जाए, लेकिन एक शर्त पे, आप मेरे सामने रहने चाहिए।